हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे राजमा की सब्जी। 2 कटोरी राजमा रात को भिगो दिए थे, उनको अच्छे से वॉश करके निकाल लिया है। उनको बॉईल कर लेंगे। ना पानी डालेंगे कि राजमा अच्छे से कवर हो जाए। 1 चम्मच नमक। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी। अब इसको 5 से 6 सीटी देके उबालेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए 7 छोटे टमाटर, 4 कली लहसुन की, 1 बड़े साइज का प्याज। गार्लिक के साथ में थोड़ा प्याज लेके पीस लेंगे। राजमा उबल गए हैं, देखिए इस तरीके से प्रॉपर। 2 बड़े टेबल स्पून सरसों का तेल गरम हो गया है। प्याज को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि ब्राउन हो और जले नहीं। दाल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये मसाले, इनको एकदम लो कर दे। इसके पेस्ट बनाया था थोड़ा सा, इसमें डाल देते हैं हुए टमाटर को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, जब तक कि ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है इसमें से। अब हम डालेंगे इसमें राजमा जो उबले हुए रखे हैं, मिला दिया है जो उबले हुए थे। अदरक गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये सब गरम मसाला तैयार है। अब इसको धनिया से गार्निश कर देती हूँ। और टेस्टी तैयार हो गए हैं राजमा।